मैं कैप्टन जोगवीर सिंह के प्रेसिडेंट पीओजेके डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इलेक्शन करवाने जा रही है, खुशी की बात है इलेक्शन हो, लेकिन सबसे पहले वो लोग जिनके मसले अभी अटके हुए हैं, वो लोग जिनका घर बार जा चुका है, वो लोग जिनकी अपने माल मवेशी और प्रॉपर्टी की तबाही हुई है, उनके बारे में भी सोचा जाए। अगर आज ये जो नुमाइंदगी दे रहे हैं पोलिटिकल लोगों को दे रहे हैं, दूसरों ये जो पीओजेके के लीडर्स हैं उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, उनको भी वहाँ बुलाया जाए, उनसे भी बात की जाए, और उससे आगे जो हमारी डिमांड हैं, जैसे कि हमें 24 सीटें हमारी दी जाए, दूसरा जो हमारे पंजाब में लोग रह रहे हैं उनको भी कंसिडर किया जाए, तीसरा हमारी ये डिमांड है कि इसको और बढ़ाया जाए, चौथा अभी तक जो है हमारा जो 5.5 मिला वो भी पूरी तरह से नहीं बंट पाया है। पांचवी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें रिजर्वेशन दी जाए बच्चों की स्कूलों, कॉलेजों में, सीटों में और इसी तरह से नौकरियों में। बाकी जो हमारे लोग कस्टोडियन में रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, उनसे किराया क्यों लिया जा रहा है, किराया बंद किया जाए और उनको या तो मकान दिए जाए या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए उनको मकान बनाकर दे, लेकिन ये कब तक गरीब लोग किराया देते रहेंगे, इसको भी सोच विचार में लाया जाए और ये मसले हल किए जाएं।